अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का, ऐ सड़क गरीब के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया। यह शेर आजकल चर्चा में है और चर्चा में है वो तमाम लोग जो लॉकडाउन के करीब 40 दिन बाद भी पैदल चलते हुए अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। सरकारों ने तमाम दावे किए और पुख्ता इंतजाम के दिखावे भी, लेकिन सच लोगों की परेशानी के बेहद करीब है। तमाम लोगों को साधन मिल जाए और तमाम लोग अभी भी पैदल ही घर तक की दूरी तय करने की कोशिश में बस चले जा रहे हैं। उन्हें भी अपनी किस्मत वे कमजोर नजर आने वाले पांव और मजबूत इरादों पर पूरा भरोसा है। आज फर्स्ट बाइट के हापुड़ सब बन जाता आदिल ने ऐसे ही कुछ राहगीरों से बात की और जाना उनका दर्द। आइए देखते हैं। कुटेसर चोपला जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके पास हमने कुछ लोग जाते ही मिले जो हरियाणा से आ रहे थे और उनको गोरखपुर जाना है। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। भाई ये बताइए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है आपको? सर हम हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। वहाँ एक मुरथल गांव है, वहाँ पर एक पावर प्लांट बन रहा है, JBM पावर प्लांट, उसी में काम कर रहे थे। तो एक लॉकडाउन लग गया, प्लांट बंद हो गया, फिर हमारा जो स्टाफ था वो अपने अपने घर चले गए। वर्कर जैसे तैसे था, अपने पास जो पैसा था 1.5 महीना हम लोग खाया। अब मेरे पास पैसा नहीं था, हरियाणा सरकार हमें 1 रुपये का भी कोई योगदान नहीं दे रहा है, तो हम लोग सोचे कि भाई अब क्या करेंगे, अब तो खाने बगैर मरेंगे हम। अभी आपको ये बताइए कितने दिन हो गए वहाँ से चलते चलते? सर संडे को 9 बजे चले थे, मतलब आपको 4 दिन हो गए जी। तो अभी कितने लोग हैं? हम लोग तो 9 हैं, लेकिन हमारे जैसे हजारों की संख्या में आपको रेल पर मिलेंगे, पटरी पर आदमी। तो अभी आप पैदल ही आ रहे हैं लगातार? जी जी। भूखे प्यासे? भूखे तो नहीं है सर, गांव वालों का बहुत शुक्रिया मैं कहूँगा कि जहाँ भी जिस गांव से हम निकलते हैं वहाँ गांव के लोग हम लोगों की बहुत व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने का सब कुछ से काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जी जी। तो अभी आपको गोरखपुर जाना है? जी। ठीक है भाई, धन्यवाद।